परमेश्वर के रहस्य बाटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा जुलाई 29 रूपांतर की पर्वतीय चोटी के अनुभव के रहस्य। जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। यशया नबी की पुस्तक 61 अध्याय का 46 पद। 36वीं चोटी, यह उद्धार की कितनी अद्भुत चोटी है। हमारी पापमय दशा में हम सिर्फ अपमान और लज्जा के ही पात्र थे, और फिर भी परमेश्वर कहता है, तुम प्रभु के हाथों में महिमा का मुकुट होगे। एक मुकुट अधिकार दर्शाता है। स्वर्ग में हमारा अधिकार इस बात में से प्रकट होगा कि हम स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे। हमारा प्रभु यह चाहता है कि हम एक दुल्हन और दुल्हे की तरह हों। अगर वे प्रभु के द्वारा जोड़े जाते हैं तो उन्हें पूरी तरह प्रभु पर निर्भर होना चाहिए, और हर एक परिस्थिति में उन्हें एक दूसरे से प्रेम करने वाला होना चाहिए। और जब वे ऐसा करेंगे तो वे एक दूसरे को पसंद भी करने लगेंगे। परमेश्वर हमसे कह रहा है, मैं तुझे अपने हाथ में एक मुकुट बनाऊंगा। वह हमें उसका मुकुट बनाना चाहता है और हमें उसकी स्वर्गीय योजना के अनुकूल बनाना चाहता है। एक राज मुकुट ऐसा ताज होता है जो सौंदर्य के लिए भी होता है। यहां यह विचार है कि यीशु की जो महिमा और सुंदरता अब तक स्वर्गदूतों ने नहीं देखी है, वे उस दिन देख पाएंगे। हम उस महिमा के लिए प्रभु यीशु के द्वारा पूरी तरह तैयार किए जा रहे हैं। हमें प्रभु यीशु की अंगूठी भी कहा गया है। जैसे एक मुकुट राजा की महानता प्रकट करने के लिए एक राजा द्वारा पहना जाता है, वैसे ही महान शासकों के हाथों में अंगूठी होती है। अंततः परमेश्वर का अधिकार स्वर्गदूतों द्वारा नहीं बल्कि उनके ऊपर प्रकट होगा जो आज उसके द्वारा उद्धार पा रहे हैं। हम उसका मुकुट, उसका ताज और उसकी अंगूठी बन जाएंगे। उसकी महिमा के लिए उसका मुकुट, उसकी सुंदरता के लिए उसका ताज और उसके अधिकार के लिए उसकी अंगूठी।